children, good morning. I am Puspa Sankhla. From today onwards, I will teach you MS. So, all of you take out your MS book. Let's start reading. Chapter 1st, The Proud Peacock. Let's start reading. All the birds had gathered together in the woods one day to have some fun. सारे पक्षी जंगल में मजे करने के लिए इकट्ठे हुए थे. However, when they saw the peacock, all of them began complaining about their weaknesses. But जब उन्होंने मोर को देखा तो सब खुद के अंदर क्या कमी है उसके बारे में कंप्लेन करने लगे. The crow said, I am so ugly and black. कौवे ने कहा, मैं बहुत ही गंदा और काला हूं. The brown sparrow said, I am so small and my feathers are so dull. Brown sparrow ने कहा, मैं बहुत ही छोटी हूं और मेरे पंख बहुत ही डल है. The dove said, I am so plain and white all over. कबूतर ने कहा, मैं बहुत ही प्लेन हूँ, सिंपल हूँ, मतलब उसमें कुछ भी अलग डिजाइन नहीं है, मैं प्लेन हूँ और पूरा सिंपल, पूरा वाइट हूँ. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 6. An owl was sleeping on the branch of a nearby tree. एक पास ही के पेड़ पे आउल सो रहा था. It heard their conversation and woke up and said, I am a night bird. I am tired of sleeping all day, not knowing what is happening in daylight. वो इन सब की बातें सुन रहा था. फिर वो उठ के बोला, मैं नाइट बर्ड हूँ. मैं थककर पूरे दिन सोता रहता हूँ, तो दिन के उजाले में क्या होता है मुझे कुछ भी पता नहीं होता. The hummingbird said, everyone laughs at me because I cannot fly forward, I fly backwards. एक छोटी चिड़िया हमिंगबर्ड है जिसने कहा, मेरे ऊपर सब हंसते रहते हैं क्योंकि मैं आगे से नहीं पीछे से उड़ती हूं. The peacock began to strut around. Look at me, I am so beautiful. मोर ने घमंड से प्राउडली बोला, मुझे देखो, मैं बहुत ही सुंदर हूं. My feathers are so colorful. मेरे पंख बहुत ही कलरफुल है. Then he put up his head, spread his tail like a fan and started dancing. फिर उसने अपना सिर proudly ऊपर करके अपने पंख फैन की तरह फैलाए और डांस करना स्टार्ट कर दिया. While all the birds were watching and were very pleased to see the beautiful peacock, they suddenly heard a gunshot. सारे पक्षी उस सुंदर मोर को डांस करते हुए आश्चर्य से देख रहे थे. तभी अचानक सबने गोली की आवाज सुनी. Two hunters had come into the woods. दो शिकारी जंगल में आए हुए थे. They saw the peacock and decided to catch it. उन्होंने सुंदर मोर को देखा और उसको पकड़ने का डिसाइड किया. One hunter fired a shot at its leg.
एक शिकारी ने मोर के पैर के ऊपर गोली लगाई। द पिकॉक फेल टू द ग्राउंड एंड द हंटर क्विकली पुट इट इन टू अ बैग एंड लेफ्ट द वुड्स। और मोर जमीन पे गिर गया। दूसरे शिकारी ने मोर को बैग में डाला और जंगल से चले गए। प्राइड गोज बिफोर अ फॉल इज अ ट्रू सेइंग। जो घमंड करता है उसको हमेशा उसका बुरा फल मिलता है, तो हमें कभी भी किसी बात का घमंड नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 7। मोरल ऑफ द स्टोरी, वी मस्ट नॉट बी प्राउड। हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। बी हैप्पी विद द वे गॉड हैज मेड यू। भगवान ने, गॉड ने हमें जैसा भी बनाया है उसमें हमें खुश रहना चाहिए। प्राइड हैज अ फॉल। जो घमंड करता है वो हमेशा गिरता है। गॉड हेट्स प्राइड। जो घमंड करते हैं उसको भगवान कभी भी लाइक नहीं करते। इफ यू आर हम्बल यू विल रिसीव अ रिवॉर्ड। अगर तुम घमंड किए बिना किसी का अच्छा करोगे तो तुम्हारे साथ भी अच्छा होगा। ऑल ऑफ यू रीड 2 times दिस चैप्टर। ओके, बाय, टेक केयर।